क्लाइमेट एडेप्टेशन इज मोर सिग्निफिकेंट टुडे देन एवर बिफोर एंड इट इज अ की एलिमेंट फॉर इंडियाज डेवलपमेंट एफर्ट्स. वी हैव प्रॉमिस्ड आवरसेल्व्स दैट वी विल नॉट जस्ट मीट अवर पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स बट एक्सीड देम. वी विल नॉट जस्ट अरेस्ट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बट रिवर्स इट एंड वी विल नॉट जस्ट क्रिएट न्यू कैपेसिटीज बट मेक देम एन एजेंट फॉर ग्लोबल गुड. आवर एक्शन शोज आवर कमिटमेंट. वी आर टारगेटिंग 450 gigawatt of renewable energy capacity by 2030. We are promoting LED lights and saving 38 million tons of carbon dioxide emissions annually. We are going to restore 26 million hectares of degraded land by 2030. Our scientists, along with doctors, administrators, and people from other walks of life, have made major contribution in containing the virus and keeping the fatality rate lower in our country compared to that in developed countries. Thus, all our farmers, soldiers, and scientists deserve a special appreciation, and a grateful nation greets them on this auspicious occasion of the Republic. By conducting not only free and fair but also safe elections in Bihar, which has high population density, and in union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, with difficulties of access and other challenges, our democracy and the Election Commission have accomplished remarkable feats. I am sure that with a view to reducing the risk of such pandemics, the issue of climate change will be accorded top priority at the global level. Economic reforms have continued apace and have been supplemented by long pending reforms in the areas of labor and agriculture through legislation. The path to reform at the initial stages may cause misapprehensions. However, it is beyond doubt that the government remains singularly devoted to farmers' welfare. प्रिय भाइयों और बहनों, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं दिल्ली तथा देश के समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. बीता साल न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए अभूतपूर्व चुनौतियां भरा रहा है. कोरोना महामारी ने हमारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि हमारी दिनचर्या पर भी गहरा प्रभाव डाला है. यह गणतंत्र दिवस नई आशाएं और उम्मीदें लेकर आया है. लगभग 10 महीनों के दृढ़ प्रयास से आज हम सभी क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने की तरफ अग्रसर हैं. इस अवसर पर मैं विशेष रूप से सभी कोरोना वॉरियर्स, चिकित्सकों, प्रशासनिक अधिकारियों, स्वास्थ्यकर्मियों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों, पुलिस तथा सुरक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों, स्वच्छता कर्मचारियों और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं तथा उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं. दिल्ली में सरकारी और निजी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम्स में कोविड टेस्टिंग की क्षमता कई गुना बढ़ाई गई है. इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में टेस्ट पर मिलियन देश में सर्वाधिक है और अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं. टेस्टिंग साधारण लोगों की पहुंच में रहे इसके लिए वाजिब मूल्य निर्धारण किया गया. कोविड के लिए टीकाकरण का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16/1/2021 को किया. दिल्ली में स्थापित 81 सेंटर्स के माध्यम से लोगों को टीका लगाया जा रहा है तथा आने वाले समय में सेंटर्स की संख्या और बढ़ाने की योजना है.
इस महामारी के दौरान सरकार ने सुनिश्चित किया कि दिल्ली वासियों को प्राप्त होने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पानी और बिजली जैसी मौलिक नागरिक सुविधाएं सामान्य रूप से मिलती रहें। मैं प्रत्येक नागरिक से अपील करता हूं, फेस मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए कोविड-19 मानदंडों का सख्ती से पालन करें। सामूहिक प्रयासों से हम निश्चय ही अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता प्राप्त करेंगे। जय हिंद। We are here from 12 January, total 122 person we are, and we are here to participate in your 72nd Republican Day Parade. And we had been practicing after a short quarantine period, and we hope to have a very good show there. So sir, what will be the highlights? Can you put some focus on that? In fact, we are having two contingent. One is a marching contingent, which comprises Army, Navy and Air Force personnel, and there will be a band contingent, we call it brass band. So they will be, you know, with the musical equipments behind the marching contingent. So two contingents will be marching on that day, and we are very fortunate, we must say that we will be marching in the forward echelons. Sir, you have a huge big legacy behind you, and you are here with India on their Republic Day. How does it feel, and what is the message? You know, the year 2021 is very special for us because we are celebrating the birth centenary of our father of nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and also this is the year which is the 50th independence year of ours. So from this significant point of view, participating in the 72nd Republican Day Parade, it is very much exciting. And again, I should say, it is also remarkable and a significant one. We feel that a great responsibility is assigned to us to have a very good show. The men with us or with me, they are very much excited to participate in this parade. ऑपरेशन के साथ साथ पूरा जो ऑपरेशनल है उस पर भी ध्यान रखा जाता है? बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं, हर रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे के समय पे काफ़ी एहतियात बरती जाती है, सिक्योरिटी की तौर पे काफ़ी चेतावनियां आती है, तो हम उस तरफ भी हमारा ध्यान है, उस पे हमारे तरफ से कोई ढिलाई नहीं है, और हमने अपने इलाके के अंदर हर तरह के ऑपरेशन जो हम एरिया को डोमिनेट रखने के लिए करते हैं, उनमें खास तौर पे इन समय पे ज़्यादा एहतियात से करते हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हमारे इलाके में किसी भी प्रकार का कोई हादसा ना हो, आवाम को किसी भी प्रकार की तकलीफ़ ना हो, और आवाम को हर तरीके के मुश्किलों में हेल्प की जाए।
इस बार तो बिक्री पत्ता एकदम खराब है। अगले अगले साल तो आपका सिलचर से भी आया था लेने के लिए, कोकराझार से आया था, हापलोंग से आया था, लेकिन इस बार बाहर का पार्टी है ही नहीं, इसे कस्टमर भी उतना एकदम नहीं है, कमती है। Greetings to all of you on the eve of the 72nd Republic Day of the world's largest and most vibrant democracy. In this land of ours, enriched by diversity with many festivals, our national festivals are celebrated by everyone with great patriotic fervor. This is the day to also pause and ponder over the core values that the Constitution propounds. These values, justice, liberty, equality, and fraternity, outlined in the preamble of our Constitution, are sacred to all of us. Every Indian salutes our farmers who have made our vast and populous country self-reliant in food grains and dairy products. Despite adversities of nature, numerous other challenges and the COVID-19 pandemic, our farmers sustained the agricultural production. A grateful nation is fully committed to the welfare of our farmers. Just as our hard-working farmers ensure food security for the country, the brave soldiers of the armed forces ensure security of our national boundaries amid severest conditions. From the freezing cold at Siachen and Galwan Valley in Ladakh, with temperatures as low as minus 50 to 60 degrees Celsius, to the scorching heat in Jaisalmer, with temperatures as high as 50 degrees Celsius, on land, in the skies, and at the vast coastal areas, our warriors are vigilant every moment.